नमस्कार, मैं हूँ सुनीता छेत्री। सुनीताज फैमिली किचन में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं बनाऊंगी बटर चिकन, और ये मैंने 400 ग्राम चिकन लिया है। और चलिए इसको मैरिनेट करते हैं। 2 टेबलस्पून फ्रेश दही डालेंगे, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच नमक, और आधी छोटी चम्मच डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच किचन किंग मसाला। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करके चिकन के साथ, और इसको कवर करके हम रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। इसको बनाने के लिए हमने मसाले लिए हैं, 1 छोटी चम्मच जीरा, और 4 टमाटर लिए हैं मैंने, और छोटे टुकड़े मैंने अदरक के लिए है, 10 से 12 कलियां मैंने लहसुन के लिए है, 2 हरी मिर्च, और थोड़े से मैंने काजू लिए हैं। सूखे मसालों में मैंने लिए है 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, और आधी छोटी चम्मच किचन किंग मसाला, और साथ में मैंने लिया है कसूरी मेथी, और इसके साथ है बटर। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई लेंगे और उसमें डालेंगे हम थोड़े से बटर, और हम बनाएंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल से। और जब ये मेल्ट हो जाएगा बटर, तो फिर इसके में डालेंगे हम जीरा, और जीरा को भी हम चटका लेंगे अच्छे से। और इस समय गैस का फ्लेम हम रखेंगे लो टू मीडियम, और ये जब जीरा चटक जाएगा तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे कटी हुई अदरक, और अदरक को भी हम ऐसे साबुत डाल देंगे, और इसके हम छोटे टुकड़े नहीं करेंगे। साथ में डालेंगे इसमें लहसुन, और हमने हरी मिर्च को 2 टुकड़े में काट लिया था, इसको भी हम इसमें डाल देंगे, और इसको हम 10 से 15 सेकंड के लिए भून लेंगे। और इस समय गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे। अब डाल देंगे इसमें काजू, और काजू को डाल के भी इसे थोड़ा सा हम भून लेंगे, और इसे हमें बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है। अब ये भुन गया है, अब इसमें डालेंगे हम टमाटर। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने इसमें प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि बटर चिकन में प्याज का इस्तेमाल नहीं होता है। अब थोड़ा सा डालेंगे इसमें नमक, और नमक ज़्यादा नहीं डालेंगे, और इसको हम थोड़ा सा कवर करके पका लेंगे 5 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम में। 5 मिनट बाद देखेंगे हम एक बार टमाटर को, और इसको एक बार हम चला लेंगे, फिर उसके बाद फिर कवर करके इसको और गलने तक पकाएंगे। तो अब ढक्कन हटा के देखते हैं टमाटर को। तो ये देखिए टमाटर अब गल चुके हैं। अब इसको हम एक साइड रखेंगे, और ठंडा होने के बाद इसकी हम बना लेंगे प्यूरी। तो देखिए मैंने प्यूरी बना ली, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई में डालेंगे रिफाइंड ऑयल, और उसमें हम मैरिनेट चिकन को डाल के उसे फ्राई करेंगे। इस समय गैस का फ्लेम हम मीडियम टू लो रखेंगे, और इसे हल्के हाथों से चलाते हुए पलटते हुए इसे भून लेंगे, और इसे हमें ब्राउन होने तक भूनना है। और ये भून गया है, अब इसे हम निकालेंगे एक प्लेट में, और प्लेट में निकाल के हम इसे रखेंगे एक साइड, और इसी तेल में हम बनाएंगे चिकन। तेल मैंने थोड़ा सा कम कर लिया है, और अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा बटर, और बटर को मेल्ट होने देते हैं। आपको लग रहा होगा कि इसमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा है, लेकिन रेस्टोरेंट स्टाइल जब हम बटर चिकन बनाते हैं तो उसमें तेल ज़्यादा ही पड़ता है। अगर आप तेल कम खाते हैं तो तेल आप कम डालिए। बटर मेल्ट हो गया है, अब जो हमने प्यूरी बना के रखी थी टमाटर की, तो उसको हम इसमें ऐड कर देंगे, और इस समय गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे, और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे नमक। नमक हम इसमें कम ऐड करेंगे, क्योंकि जब हमने टमाटर को भूना था उस वक्त भी हमने थोड़ा सा नमक डाला, और चिकन को मैरिनेट करते वक्त भी हमने इसमें थोड़ा सा नमक डाला था। बटर में भी नमक होता है। तो चलिए इसे कवर करके एक बार 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में पका लेते हैं, और 5 मिनट बाद देखिए ये इसमें तेल छोड़ दिया। इसको मैंने 2-3 बार कवर करके पका लिया था, और देखिए अब ये अच्छे से मसाला पक चुका है। इसमें मैंने चिकन ऐड कर दिया, और इसको कवर करके मैंने 5-6 मिनट के लिए पका लिया। अब इसमें डालेंगे लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर, और इससे इसका कलर बहुत ही बढ़िया आता है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर इसको कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम में इसे पकने देते हैं चिकन के गल जाने तक। और देखिए
मैंने ढक्कन हटा लिया है। तो देखिए ये चिकन भी काफ़ी अच्छे से पक चुका है और इसका कलर भी बहुत बढ़िया है, चारों तरफ से ये तेल छोड़ने लगा है। मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ, ये अच्छे से गल चुका है। तो इसे हम थोड़ी देर और पकाएंगे और इसमें डालेंगे अब कसूरी मेथी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कसूरी मेथी को मैंने रोस्ट कर लिया था और इसमें कसूरी मेथी ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो वो कड़वापन आने लगता है। अब डाल देंगे इसमें थोड़ा सा बटर, और बटर तो इसमें डालना ही बनता है क्योंकि ये है बटर चिकन। इसको और रिच बनाने के लिए इसमें डालेंगे फ्रेश क्रीम, 3 से 4 चम्मच फ्रेश क्रीम मैंने डाल दिए और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया बटर चिकन बनके तैयार हो गया है। इसे मैंने सर्विंग बाउल में सर्व कर दिया है, थोड़ा सा डाला है बटर और साथ में फ्रेश क्रीम, और इसे हरी धनिया की पत्ती से मैंने गार्निश कर दिया और अब बिल्कुल रेडी है ये खाने के लिए। मेरी बटर चिकन की रेसिपी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरी रेसिपी आपको सबसे पहले देखने को मिले। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि मैं अब क्या बनाऊं। अब मैं मिलती हूँ किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।